नागपुर जिला नियोजन समिति की बैठक गुरुवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की अध्यक्षता में डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। गुरुवार को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की अध्यक्षता में डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में नागपुर जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विषयों पर चर्चा की गई, खासकर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य योजना को लेकर चर्चा की गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संबंध में अलग अलग वार्ड तैयार किए जाएंगे, ऐसी जानकारी पालक मंत्री ने दी। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आह्वान किया। वहीं 31 दिसंबर और न्यू ईयर के चलते शहर में सख्त पाबंदियां लगाई जाने की जानकारी भी पालक मंत्री नितिन राउत ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्य करने के लिए निधि जल्द उपलब्ध किया जाएगा और 31 मार्च तक यह निधि विकास कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य होगा। इसकी खबरदारी लेने की सूचना अधिकारियों को दी गई है ताकि बजट सत्र में नए निधि की मांग कर सके। आयोजित केलेली होती त्या बैठकीमध्ये आम्ही आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्याच्या संबंधी व त्यासंबंधी ओमिक्रॉनचे वेगवेगळे वार्ड तयार करण्यासंबंधीचे निर्णय या ठिकाणी घेतलेले आहेत। सर्वांनी खबरदारी घ्यावी आणि कोरोना नियमाचं काटेकोरपणे पालन करावं असे आदेश सुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहेत। 31 डिसेंबरला रात्री कोणत्याही प्रकारच्या नवीन वर्षाच्या निमित्तानं पार्ट्या होणार नाहीत यासंबंधीची आम्ही बंदी घातलेली आहे। आमदार विकास निधी व इतर योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळावी त्यांना 8 दिवसात निधी उपलब्ध करून द्यावा ही सुद्धा या ठिकाणी आम्ही सूचना केलेल्या आहेत। 31 मार्चपर्यंत जो निधी खर्च होणार नाही असं या ठिकाणी व्हायला नको, तो खर्च झाला पाहिजे जेणेकरून आपलं बजेट पुन्हा सादर करत असताना आम्हाला नवीन मागण्या नोंदवायला सोपी जाईल आणि जे अधिकारी या ठिकाणी खर्च करणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल। जिल्हा नियोजन विकासामध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर शहरी आणि ग्रामीणला निधी मिळावा आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यात यावा असं या ठिकाणी आम्ही ठरवलं आहे। यापुढे निधी कोणताही सरेंडर होऊ नये आणि तो परत जाणार नाही याची काळजी या ठिकाणी घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। जिल्ह्यातील सर्व विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी 350 कोटीचा प्रस्ताव आम्ही सादर केलेला आहे। MERC ने त्याला मान्यता दिली, त्याचे काम लवकर सुरू होईल। विकास कामांचे टेंडर 30-40% कमी जातात, त्यामुळं कामाच्या दर्जा व्यवस्थित राहत नाही, योग्य राहत नाही। जिल्हा परिषदेने या संदर्भात एका प्रकरणी सखोल चौकशी केली व त्यानुसार कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आलं। तशाच प्रकारे नागपूर सुधार मंडळास नागपूर महानगरपालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशी काळजी घ्यावी अशा सूचनासुद्धा या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। माननीय जिल्हाधिकारी यासंबंधीची त्या नोंद घेऊन त्या ठिकाणी काम करणार आहेत। देखिए, टोटल हमने 180 करोड़ रुपया दोनों मेडिकल कॉलेजेस को दिया है। उसमें काफ़ी सारा काम होकर नागपुर को कोरोना मुक्त करने का काम आप लोगों के सहकार्य से यहाँ पर पूरा किया गया है और आगे भी होगा। जो भी कमियाँ होंगी अस्पतालों में उसकी सूचनाएं माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास अगर आती है तो वे उसको तुरंत निपटारा करके न्याय देने का काम करती है। अगर जो आप यहाँ प्रश्न उपस्थित किए उसकी जानकारी अगर वैद्यकीय महाविद्यालय से आ जाती है तो उसकी पूर्तता की जाएगी। आप गलत प्रकार से या इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात तो यह है कि राज्य सरकार जो निर्देश देती है वो निर्देश पे ही काम करना पड़ता है और वो निर्देश अगर राज्य सरकार ने जो नियमावली दी उस पर अगर खरा नहीं रहता तो उसको बदला जा सकता है। मुंबई और पुणे में जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार के निर्देश नागपुर में भी होना चाहिए, उसकी उन्होंने दक्षता ली है और उसके अनुसार उन्होंने आदेश निर्गमित किए हैं।